हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित के सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास है वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जो कि स्पेशली डिजाइन है अपोस्ट्री क्लीनिंग के लिए। चाहे वो कारपेट क्लीनिंग करना हुआ, या कार का इंटीरियर हुआ, या फिर सोफा क्लीनिंग हुआ, उसके लिए ये जो वैक्यूम है वो काफी बढ़िया काम करता है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसा ये वर्क करता है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए। तो गाइस, ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो मैंने मंगाया है डीटेक ग्लोबल से, जो कि नोएडा की कंपनी है। अगर आपको भी परचेस करना है तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों वैक्यूम क्लीनर के बारे में, तो ये इसका मेन बॉक्स है और एक बॉक्स और आया था जिसमें ये दोनों एसेसरीज हैं। ये काफ़ी बड़ी भी दिख रही होंगी आपको। स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है कारपेट क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये एक स्प्रे के लिए दिया गया है, शैम्पू स्प्रे करने के लिए पाइप, ठीक है। और ये है इसका नोज़ल, काफ़ी चौड़ा नोज़ल है जिससे कि कारपेट क्लीनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और एरिया भी काफ़ी कवर करेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सॉलिड है और इसका ये दोस्तों सक्शन पाइप है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन का काम काफ़ी अच्छे से करेगा। फिलहाल अब मैं चलता हूँ, बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ और क्या क्या एसेसरीज मिलती है और वैक्यूम क्लीनर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फ्रंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये मिल जाता है हमें एक और सक्शन हॉस पाइप, ठीक है। ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए है, ठीक है। और इसकी लेंथ है लगभग 2 मीटर के करीब। इसको मैं कर दूं पहले साइड में। और दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है हमें एक और नोज़ल, सर्विस नोज़ल बोलते हैं इसे, और देख सकते हैं क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसको भी कर देता हूँ मैं साइड में। यहाँ पर दोस्तों हमें दो मिल जाते हैं, ये रॉड, ठीक है, एक्सटेंशन रॉड, ठीक है, ताकि सक्शन करना इजी हो अगर आपको इसमें वाइपर लगाना हो वेट फ्लोर क्लीन करने के लिए। जैसे कि इसमें ये देखिए, एक ये दिया गया है ब्रश वाला नोज़ल, ठीक है, वाइपर, और एक और है जो कि आपका वेट फ्लोर पे काम करेगा, ये देखिए रबड़ वाला। तो ये सारी एसेसरीज इसके साथ आई हुई हैं। इसको वन बाय वन मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और अभी देखते हैं और क्या है बॉक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों एक और लग रहा है नोज़ल ही है शायद, आई थिंक, इसको भी पाड़ते हैं। हाँ, तो ये भी एक नोज़ल है, देख सकते हैं, ठीक है, ब्रश वाला नोज़ल। तो इसको भी साइड कर देता हूँ मैं फिलहाल, इसको रखता हूँ इधर। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है, वाह, ये काफ़ी सही है। ये आपका सोफ़ा क्लीनिंग के लिए या फिर कार का छत हुआ उसको रूफ़ को क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पर लीवर दिया गया है जिससे कि आप स्प्रे करेंगे शैम्पू को और ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सुपीरियर है। यहाँ पर ये देखिए, ये दिया गया है इसका पाइप, वो लग जाएगा उसमें वैक्यूम क्लीनर में सीधे। इसको मैं असेंबल करके अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। इसको भी करता हूँ अभी साइड में और देखते हैं क्या है फिलहाल बॉक्स में। अब लगता है सीधे वैक्यूम क्लीनर ही है। तो चलिए अब इसको भी निकालते हैं बाहर। ये 20 लीटर का वैक्यूम क्लीनर है। ओह माय गॉड, काफ़ी वेट है इसका। बॉक्स को कर देता हूँ मैं साइड में। तो दोस्तों ये रहा वैक्यूम क्लीनर डीटेक ग्लोबल का, और इसकी जो साइज़ है टैंक की वो लगभग 20 लीटर की है। इसमें 1200 वाट का मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्प्रेइंग के लिए और वैक्यूम के लिए दो यहाँ पर स्विच दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको वेट एंड ड्राई वैक्यूम इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ये आप स्विच इस्तेमाल करेंगे, बाकी स्प्रे करना है तो इसके लिए ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्विक कनेक्ट करने के लिए जो कि स्प्रे वाला है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बैक पुश करके। और यहाँ पर आपका सक्शन पाइप लगेगा। पीछे के साइड यहाँ पर टैंक दिया गया है, लिक्विड टैंक। इसमें लगभग 8 लीटर आई थिंक इसमें आपका शैम्पू कलेक्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका सक्शन होके मोटर से बाहर जाएगा, स्प्रे होगा, ठीक है। ये इसकी पाइप दी गई है जो कि यहाँ पर लगेगी ये। और इसका जो केबल का लेंथ है लगभग 8 मीटर के करीब है, और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। 3 पिन टॉप है, देख सकते हैं, 16 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पर नीचे के साइड व्हील दिए गए हैं ताकि इजी इसको आप मूव कर सके। और जो इसका ऊपर का हैंडल देख रहे हैं आप, ये भी स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी का है। आइए दोस्तों अब इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का फिल्टर कैसा है, ठीक है।
तो ये आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर का काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉशेबल फिल्टर मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और इसके अंदर टैंक देख लीजिए, साइज़ काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको मैं पैक कर देता हूँ। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। सो गाइज, इस वैक्यूम क्लीनर के साथ हमें दो पाइप मिलता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोनों हॉस पाइप है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको स्प्रे करने वाला साइड में पाइप लगा हुआ है, जिसके वजह से आप इससे एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप ये हॉस पाइप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको स्प्रे वाला इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को इसका कार का रूफ भी क्लीन करना है, तो मैं इसे वैक्यूमिंग भी करूँगा और स्प्रे वाला भी इस्तेमाल करके देखूंगा। तो आइए अब मैं इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। तो ये जो हॉस पाइप है वो हमारा यहाँ सक्शन के साइड में यहाँ पे लग जाएगा, ये लॉक की आवाज़ आएगी। और ये जो स्प्रे वाला है, यहाँ पर पुश वाला सिस्टम दिया गया है, बस ऐसे पुश करके इसको टाइट कर देना है। यहाँ पर आप दो स्विच देख ही सकते हैं, स्प्रेइंग के लिए और वैक्यूम के लिए। आपको नॉर्मल अगर वैक्यूम इस्तेमाल करना है तो इसको यूज़ करेंगे, और स्प्रे करना है तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। पीछे की साइड यहाँ पर टैंक के लिए, इस सेक्शन के लिए दिया गया है, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। मैं लगा देता हूँ, ये पाइप कनेक्ट हो गया, ठीक है, मोटर से, जो कि सेक्शन करेगा इसमें से शैम्पू। बाकी अब दूसरा साइड जो है, यहाँ पर हमारा ये जो एक्सट्रैक्शन वाला है वो लगा सकते हैं, या फिर आपको नॉर्मल ड्राई वैक्यूमिंग करनी हो तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है, सिंपल। इसमें भी वही पुश लॉक बटन दिया गया है, बस ऐसे करके इसको लॉक कर देना है, और ये वाला जो है हिस्सा वो आपका यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। फिर आपका ये स्प्रे भी करेगा, अभी मैं आगे वीडियो में आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कार की कंडीशन दिखा देता हूँ, कितना ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट बहुत ज़्यादा गंदा है, इस साइड भी देख सकते हैं खाने वाला आइटम काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, और पीछे के साइड भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, और ऊपर का रूफ भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्लीन करके देखेंगे सक्शन पावर कैसा है, ठीक है। ये दोस्तों अब सक्शन पावर देखते हैं इसका, ये देखिए कितना जबरदस्त सक्शन है इसका। कुछ ही सेकंड में डस्ट को उठने और खींच ले रहा है इसको पावर से। ये देखिए कितना जल्दी ये क्लीन हो गया, इसके नीचे भी काफ़ी गंदगी है, तो इसको भी मैं क्लीन करता हूँ। ये देखिए ब्रश वाला नोजल काफ़ी बढ़िया है, सुपर। ये प्रॉपर क्लीन हो गया हमारा, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पर डस्ट का सारा कलेक्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गंदगी है। ये मैं अगर अभी जस्ट ऊपर ही रखा हूँ तो भी देखिए ये कैसे, ये देखिए पावर, सेक्शन पावर कमाल की है दोस्तों इसकी, कितना जल्दी ये काम करता है, बदल जाए। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंदा है, देख सकते हैं, तो इसको भी चकाचक क्लीन करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत गंदा है, पहले इस ढक्कन को देखते हैं कलेक्ट करके। ये देखिए तुरंत सक्शन कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। सक्शन पावर फ्रेंड्स, हमने कार का वैक्यूमिंग कर दिया है, अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हमें रूफ को क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं शैम्पू इसमें पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसके टैंक को मैं पहले ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ टैंक के अंदर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर भी दिया गया है सेक्शन के टाइम, अगर कोई कचरा रहता है तो जाएगा नहीं डायरेक्ट मोटर में, ठीक है। तो इसमें मैं शैम्पू पहले अप्लाई डालता हूँ, ये हमारा शैम्पू, ठीक है, थोड़ा सा गिर गया, दो ढक्कन डालेंगे बस,
टेनेबल, काफ़ी स्ट्रांग है ये, अपोस्ट्री क्लीनर है ये, ठीक है। और इसमें हम 2 लीटर पानी डाल देते हैं। तो हमने 2 लीटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। चलिए अब इसको पैक करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं। यहाँ पर काफ़ी गंदगी है, ठीक है, तो देखते हैं। ये इससे स्प्रे होता है, इस लीवर से, ठीक है, और इससे सक्शन, दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता हूँ मैं। देखिए कितना बढ़िया ये क्लीन कर रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, शानदार। ये मैंने पूरा स्प्रे किया था, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर कितना ज़्यादा अंतर आ गया है। कमाल का काम कर रहा है ये दोस्तों। आइए यहाँ पर थोड़ा सा टच करते हैं, ये वाला एरिया बहुत गंदा है, देखते हैं। ये देखिए अमेजिंग, शानदार दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी मैं इसको शैम्पू को अप्लाई नहीं किया हूँ। देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, सक्शन इसका काफ़ी कम माल का है दोस्तों। गाइज अभी आप देख सकते हैं विदाउट स्क्रबिंग कितना बढ़िया ये क्लीन हो रहा है दोस्तों। वैक्यूम क्लीनर का जो सक्शन पावर है वो 250 mbar का है, 25 kPa का। इस वैक्यूम को हमने इस कार के मैट पे भी ट्राई करके चेक किया, तो अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। सो गाइज इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करके काफी मजा आया, क्योंकि इसका सक्शन पावर काफी कमाल का था, जिससे कि आपने देखा रूफ की क्लीनिंग काफी बढ़िया हुई है। मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए छत पूरा एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और अंदर की तरफ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफी गंदगी जमा थी आगे की साइड भी, तो पूरा प्रॉपर क्लीन हो चुका है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो रिकमेंडेड है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।